सो हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं गांव के लिए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा था अपने को निकलने में, और सारा चीज फिक्स आउट भी करना था। सेम टाइम में मंजू दी भी नहीं आई थी, तो काम भी बहुत अधूरा रह के निकल गया है हम लोग। सो ये मम्मा, ये बाला, देखो उधर पापा, हाय बोलिए पापा। हाँ जी, तो हम अब निकल चुके हैं। बाय द वे, बाला बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ये डर रहा है ऐसे। और हम आ गए पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पहले फुल कर लेते हैं अपन, क्योंकि फिर बीच में रुकने का कोई सीन नहीं है। और लेट्स गो। और अभी थोड़ा देर बाद मैं भैया को भी रिसीव करूँगी, क्योंकि सब लोग आ गए और भैया को भी जाना था। पापा, जब ये पुल नहीं बना था, ये वाला साइड वाला, तो कितना दिक्कत आपको फेस करना पड़ता था? पहले हम लोग जहाज से आते थे, पानी जहाज से। हाँ, उसके बाद से पुल बना है, वो पुल बना है गांधी से। हाँ, पहले हम लोग पानी जहाज से उस पार से इस पार आते थे। अच्छा, तो जब भी पटना आना होता था तो पानी जहाज से आते थे, है ना? पहले जाते थे, पहले जा घाट जाके और महेंद्र उतरना पड़ता। अच्छा, तो उससे हम लोग फिर जाते थे स्टेशन। अच्छा, स्टेशन भी पुकार हो। तो कितना रुपया लगता था पहले आने जाने में? पहले तो बहुत कम लगता था। पहले ज्यादा सुविधा था कि अब सुविधा हो गया है? सुविधा अब हो गया, पहले कहाँ। पहले जहाज का वेट करना पड़ता था, जहाज आता था पानी तो पार करता था उधर से इधर, दो दिन में हम लोग चौंकते। उसके बाद ही पुल बना था। कितना देर लग जाता था उधर हाजीपुर से इधर आने में? कितना देर लग जाता था पहले हाजीपुर से इधर आने में? हाजीपुर से आने में एक घंटा डेढ़ घंटा लगता था पार करने में, जहाज में। जहाज पार करने में हाँ डेढ़ घंटा। अभी डेढ़ घंटा छोड़िए, डेढ़ मिनट में हम लोग ये पुल क्रॉस कर लेते हैं। मतलब पहले इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। बाप रे बाप रे बाप रे, भी नहीं सकते। पापा लोग तो आते जाते रहते थे यहाँ पे, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम इधर से उधर जाएं। क्योंकि एक ही पुल था उधर क्रॉस करने के लिए, जो की था गांधी सेतु। पापा खाली जहाज तो पापा का कहना है कि पहले सिर्फ और सिर्फ पानी वाला शिप था, जिससे पापा एक साइड से दूसरे साइड आते थे, मतलब हाजीपुर से पटना आते थे। और गांधी सेतु पुल तो बहुत बाद में जाके बना। बहुत हालत हम लोग सवेरे चलते थे, तब बुझाता था बात, दो दिन में चलते थे, दो दिन में चलते थे रात। जहाज छूट जाएगा तो वहीं पर हम लोग बैठे रहते, फिर आएगा तो मतलब ये भी दिक्कत था कि जहाज का, जहाज भी बहुत सारा नहीं था ना, पानी वाला दो ही था। सुन रहे हो ना आप लोग, कितना ज्यादा प्रॉब्लम था पहले, बट जो भी था कट गया। अब तो काफी कम टाइम में हम लोग ये वाला जो रास्ता है, पुल है,
सॉरी गंगा जी है वो हम क्रॉस कर लेते हैं और अच्छा है ना, मतलब हर डे बाय डे बहुत ज्यादा अभी प्रगति हो रहा है बिहार में। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि कुछ ना कुछ इजी लाइफस्टाइल को इजी करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। दादी जिंदा थी, हाँ। हम लोग को उस रास्ते से लेके जाती थी, क्या नाम है उसका, कौन घाट बोलते हैं, बांस घाट से खुलता पहले जा लेके जाती थी, रात को बैठते थे, सुबह को हम लोग हाजीपुर पहुंचते थे, हाजीपुर से पूरा दिन चला जाता था गोपालगंज जाके। अच्छा। उसके बाद हम लोग को एक ये था बस था, हाँ। ये सॉरी लाड़ा लेके आते थे, ये बैलगाड़ी। अच्छा। बैलगाड़ी में फिर गोपालगंज से बैठा करके ले करके घर जाते थे, पूरा रात हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे। जैसे नीचे आते हैं वैसे राइट साइड में फन सिटी है, जलालपुर फन सिटी। तो ज्यादा दूर भी की डिस्टेंस भी नहीं है, पटना से आप लोग आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे गो कार्ट है, मतलब आप पूरे दिन आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा आप कि जब भी आप आइए तो मॉर्निंग आवर में आइएगा 9 बजे के करीब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्ले जोन है जिसे आप हर एक जोन को आप एंजॉय कर सके पूरे दिन में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आइएगा। ओके। चाय बहुत अच्छा मिलता है इस एरिया में, तो आप जब भी क्रॉस करें इस एरिया को यहाँ चाय जरूर पीजिएगा। सो आ गया है चाय और लिट्टी। जस्ट ए सेकेंड, ये आ गया लिट्टी और छोले, बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं मुझे तो। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है फोर साइड, इधर भी। डिपार्टमेंट वाले को आप इतना चोर कहे थे भैया? ना बहुत मानता था, चुप रहे, चोरी कर कर सब आया था क्राइम हटाने के लिए। भैया चोरी करते थे आम खाने के लिए, आम चुरा चुरा के खाते थे, आम चुराने के लिए कोई बोलता भी नहीं था, खुद से तोड़ के देते थे, नहीं तो हम तो चोरी करके पेड़े काट देते थे। सुन रहे हो गाइस, ऐसे शक्ल के जो भी आदमी मिले आपको ना एकदम बाइकॉट कर दो इनको। स्मार्ट आदमी है। बानी रहुआ क्वेश्चन बने, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, हम रहते हैं पटना में, गांव जा रहे हैं, गांव भी जाना जरूरी है। मम्मी वहाँ सबसे सुंदर चीज क्या है गांव में? सुकुला। गांव तो लग जाएगा 2 घंटे और लग जाएंगे अभी पहुंचने में गांव। क्या दिक्कत है?
काफी दूर है। वो देखो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग 2 घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट और है। सो आ गए हम लोग यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि यूपी का पेट्रोल सस्ता है बिहार के अकॉर्डिंग, तो हमने सोचा फुल टंकी करा लेते हैं, सस्ता मिल जाएगा। तो हम लोग यूपी एंटर किए थे सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए। हाँ मतलब ऐसे ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर करके तो ऐसे घुसते हैं, तो पहले बिहार आता है, फिर ऐसे घुसते तो यूपी आता, फिर ऐसे तो मतलब यूपी में है प्रॉपर, बट तो इधर उधर घुस 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 के है। सो आ गया है पेट्रोल पंप, अब डलवानी है पेट्रोल इनको। सो हम लोग पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको भूख बहुत तेज लगी हुई थी। और ये होटल जस्ट हाईवे के अपोजिट में ही है। सो हम यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए।